मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए उसके बाद चर्चा। मैं 70+ हूँ, अब मैं तो मेरा तो ये उद्देश्य है भाई, मेरे बजाय आप मेरे से यंगस्टर्स को दो जो लॉन्गविटी ऑफ लाइफ रहती है उसकी। अब हमारी जो लाइफ है जो 10-15 साल की रहती है, तो आप लोगों को बचाने के लिए दे दो, मेरे को दे, मैं भी लेता हूँ। सुप्रिया जी, किसके लिए कह रहे हैं वो? राहुल गांधी के लिए छोड़ना चाहते हैं कि वैक्सीन अपनी? नहीं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, राहुल गांधी इज एन एक्सट्रीमली फिट मैन, फिटर देन एनी इंडियन पॉलिटिशियन, तो उनको वैक्सीनेशन की भी जरूरत ही नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है वैक्सीन के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में एक आदमी ऐसी बात कह रहा है कि आप मेरी जगह किसी और को दे दो, तो वो तो त्याग की बात कर रहे हैं, इसको तो लॉर्ड करना चाहिए, और आप इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा अपना अभी बात, भी जब पीएम कह रहे थे कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगना चाहिए, तो आप कह रहे थे कि खुद क्यों पैसा दिया जा रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप बोला करिए, क्योंकि बाकियों के नाम बोलते नहीं। नहीं, मैं सबके लिए बोलता हूं, बार बार ये बात आरोप लगा के मुझ पे निकल नहीं पाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि सबको लगेगी, 31 अक्टूबर 2020 को मोदी जी ने कहा था वैक्सीन आ जाएगी, हर नागरिक को लगेगी। वीके पॉल ने कहा हर नागरिक को नहीं, 30% को लगेगी। हर्षवर्धन जी ने कहा सबको मुफ्त लगेगी। किसकी बात मानी जाए, किसको ये वैक्सीन लगेगी? और इस देश में जहां पर 82 करोड़ लोग 2 रुपए के चावल पर निर्भर है, वो 500 रुपए की वैक्सीन लगवा पाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल सिर्फ 700 है। तो आप लोग यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस देश में? इसकी बात तो कोई करेगा ना? ये तो वाजिब सवाल पूछ रही हूं। रिपीट है, मैं वापस दोहरा दूंगा उनसे सवाल, बल्कि दोहराऊंगा भी नहीं, एज इट इज। जवाब नहीं आया ना? राहुल जी फिट है, जवाब नहीं आया, जवाब देने कहां दिया, आप लोग आपस में लड़ गए। अब मेरा सवाल ये, ठीक है राहुल जी फिट है, सोनिया जी लगवाएंगी? जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब दे रहे, बोलिए। सोनिया जी लगवाएंगी? उनके डॉक्टर कहेंगे तो क्यों नहीं लगवाएंगी? बिल्कुल लगवाएंगी, डॉक्टर जब सलाह देंगे बिल्कुल लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? ओके, गौरव भाटिया, हमें बोलेगा डॉक्टर हम लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। मैं एलिजिबल हूं, आई एम वेरी फिट, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर फैट एसेस सिटिंग। ठीक, ओके, गौरव भाटिया बोलिए। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा होता है, शांति रखवाइए, शांति रखवाइए, इसीलिए दिक्कत आती है। बोले, 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 बोले। रोहित जी, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा होता है ना, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोलता हूँ, कभी भी आपको फेडर नीचे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे असभ्य लोगों को अपने चैनल पे मत लाया करिए, जो अपनी बात तो पूरी करेंगे अपने समय में और दूसरे के समय में भी कूदेंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि उन्होंने अपनी पार्टी की बात मजबूती से रखा है। फिर बोल रही हैं, फिर बोल रही हैं, एंकर आप आदमी बोलेगा दूसरे का फिर मैं देखिए पेडिग्री का बिस्किट निकालूंगा। गौरव जी, आप उस भाषा में मत जाइए, आप भी, हाँ धन्यवाद। अगर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता है तो आपको भी तो व्यवहार दिखाना चाहिए, शांत कराइए फिर, शांत है, बोलिए, तो शांत करवा लीजिए। मैंने कहा ना, अब से आप दोनों में से जब भी एक आदमी बोलेगा दूसरे का पकड़ दूंगा, रखने का ये तय हो गया आज से, ये आज आप, हमने भी नियम बना दिया, अब से कांग्रेस बीजेपी में एक आदमी एक वक्त पे बोलेगा दूसरे का फेडर डाउन रहेगा। धन्यवाद, ठीक, धन्यवाद। सुनिए, आपने दो बार उनको मौका दिया, ज्यादा समय भी दिया, लेकिन मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन अब आपत्ति दर्ज कर दी, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी के बयान पे कहना कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं कि अंगोछा जो है वो असम का था, दक्षिण की नर्सिस थी, ये अपने ही नेता की बात को काट रही है, और उसकी वजह है क्योंकि ये शर्मसार होती हैं, चाहे वो राहुल गांधी के वक्तव्य हो, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी के हों। और मैं इतना बता दूं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है पहले कोविड वॉरियर्स को टीका लगेगा, उसके बाद जो नियम तय होंगे उसके अनुसार मैंने लगवाया और जो भ्रम का जाल है उसको दूर किया। लेकिन अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनके बच्चे और फिर वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सर्टिफिकेट लेके आए हैं। अरे, टीका भारतीयों को लग रहा है, मुंह क्यों फूला हुआ है कांग्रेस का, आपको क्यों दर्द होता है? और मैं टीएमसी के प्रवक्ता से एक ही बात कहना चाहूंगा, उन्होंने उठाया वो रह गया, भाई साहब आप भूल गए हैं, क्या सब भारतीयों को लगेगा टीके का ट्रक, क्या 30% को लगेगा? मैं उसका उत्तर दे दूंगा, क्या पैसा दे के लगेगा या फ्री में लगेगा? मैं उत्तर दे, वो जो सवाल वो उठा रही है उसका जवाब भी दे दीजिए साथ साथ। हाँ,
मैं दूंगा बिल्कुल, लेकिन जो समय कम होता है रोहित जी, आप समझते हैं मैं हर बात का जवाब देने में सक्षम हूं, दूंगा भी, लेकिन टीएमसी के प्रवक्ता से एक बात कह के आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। टीएमसी के प्रवक्ता से पूछेगा, जो टीके केंद्र सरकार भेज रही थी उसका ट्रक रोका गया पश्चिम बंगाल में कि नहीं, ये बंगाल की जनता की कैसी सेवा थी? और जब बिहार में हमारे मैनिफेस्टो में आया था कि टीके मूव देंगे तो ये सारे चिल्ला रहे थे राजनीति हो रही है, ममता बनर्जी ने कहा कि हम मुफ्त देंगे तो वो राजनीति नहीं, अब ठीक हो गया। अब मैं उत्तर देता हूं आपकी बात, गौरव जी ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो में नहीं आई थी बात, गरीब लोग आपने चुनाव घोषणा पत्र में डाली थी, जो टीके का भार आप भी जानते हैं इस बात को। खैर जवाब दीजिए जो सवाल विपक्ष ने उठाया उसका। इन्होंने अभी अभी अंतर नहीं, अभी मैनिफेस्टो आने वाला है, हाँ। वक्त बता देगा। ममता बनर्जी का बयान आपके भी उम्मीद कर रहे हैं, आप यहाँ भी लिखेंगे बिहार की बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार है, देख लीजिएगा, आप देखिएगा अभी मैनिफेस्टो आने में समय आ जाएगा, बात करेंगे, दोबारा आऊंगा आपके चैनल पे, हाँ। कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात, जिन लोगों को टीका मुफ्त मिलना चाहिए, जो गरीब वर्ग है, जो ऐसा समाज का है जो टीके का भार नहीं ले उठा सकता, उसके लिए हमारी सरकार खड़ी है, लेकिन बाकियों के लिए जो नीति होगी वो तय करेंगे जो देश के हित में होगा। अरे प्रदेश की सरकारों का खजाना आप भी खोल दीजिए ना, क्यों नहीं कहते पंजाब में मुख्यमंत्री कि हम लगवाएंगे फ्री में या आधा हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं कहती ममता बनर्जी, कह दे एक बार, हम तो राजनीति नहीं कर रहे उस पर।